वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम निखिल फ्रॉम करियर किक सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी दुर्गापुर के बारे में, जो कि हमारी 9th नंबर पे आती है टॉप 10 एनआईटीज की लिस्ट में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि हमारी इस कॉलेज की कट ऑफ्स कितनी जाती हैं, यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, यहाँ की ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर कितनी है और यहाँ की प्लेसमेंट कितनी जाती है। तो सबसे पहले हम इस जो एनआईटी दुर्गापुर है इसकी एनआरएफ रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी एनआरएफ रैंकिंग है 46। अगर आप इसकी कैंपस एरिया की बात करोगे तो 178 एकड़ की कैंपस एरिया है। तो अब अगर इन जनरल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मोड ऑफ एडमिशन सारे एनआईटीज का सेम है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं तो हम लोग वो जान लेते हैं। तो फिलहाल आपको सारे कोर्सेज की एक लिस्ट स्क्रीन पर आ रही होगी, तो आप उसको पोज करके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम इन जनरल कुछ ब्रांचेज की बात करना चाहेंगे तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस, आईटी, ईसी और भी कुछ ब्रांचेज हैं जो कि स्क्रीन पर आ रही होंगी। तो आप वहां से अपनी इंटरेस्टेड ब्रांच को देख सकते हैं कि वो ब्रांच यहां पर अवेलेबल है या नहीं है। तो अब अगर हम यहां पर बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो इन जनरल इसका फीस स्ट्रक्चर है 1.53 लाख पर ईयर। तो ये आपकी इन जनरल फीस स्ट्रक्चर है। अगर आपको एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर जाननी है, जिसमें कि बिकॉज एनआईटी की फीस स्ट्रक्चर दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी कैटेगरी कौन से, सेकंड हमारी कि पैरेंटल इनकम कितनी है। तो अगर आपको एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर जाननी है अपने पैरेंटल इनकम के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको एनआईटी दुर्गापुर की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट है जो, उस पर जाकर विजिट करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं एट लास्ट किसकी सर प्लेसमेंट कैसी है इस कॉलेज की। तो यार इस कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट 6 से 7 लाख है और बिकॉज एनआईटी का टैग ही काफ़ी होता है तो फिलहाल ये एनआईटी काफ़ी अच्छा माना जाता है, बिकॉज इसकी कैंपस भी ठीक ठाक है और यहाँ की एवरेज प्लेसमेंट भी अच्छी खासी है। तो फिलहाल आज के वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से कॉलेज रिव्यू रिगार्डिंग, काउंसलिंग रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करके जाइएगा। अगर आपको किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग अगर आपको रिव्यू चाहिए, आप किसी भी कॉलेज के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉलेज को लेकर अगर कोई डाउट या क्वेरी आ रही है तो आप मुझे काउंसलर के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।